अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस फंक्शंस डिस्कस किए थे। फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं अगर पूरी डोमेन में वो कंटिन्यूस हों तो। आज हम करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट के फंक्शन। आपके पास कोई पॉइंट होगा, हम चेक करेंगे आया इस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। पहले हमने जो डिस्कस किया था वो जनरल आइडिया था कि आपकी डोमेन में जो फंक्शन है वो सारे का सारा कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा तो वो कंटिन्यूस है अपनी डोमेन पे। या फिर हमने जनरल रिजल्ट किए थे, प्रॉपर्टीज़ किए थे कि आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, फॉर एग्जांपल पॉलीनोमियल फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होता है, इसी तरह आइडेंटिटी और कांस्टेंट फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ में किया था रूल, रूट रूल, पावर रूल और ये सारे वाले। आज हम करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट। आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन गिवन होगा, हमने चेक करना होगा किसी एक पॉइंट पे कि आया ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूटी टेस्ट देख लें, इसी की बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी। आपके पास एक पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू सी, उस पर आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट मीट्स द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। तीन कंडीशंस है आपके पास। अगर आपका फंक्शन इस पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, ये जो आपके पास गिवन पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू सी जिस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, इस वैल्यू को जब आप फंक्शन में पुट करो तो वो आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब आपके पास जब इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हो तो आपके पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए या इमेजिनरी नहीं आना चाहिए, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इन अदर सेंस में हम कह सकते हैं जब आपके पास फंक्शन में कोई वैल्यू पुट करते हैं इन्फिनिटी नहीं आता, इमेजिनरी नंबर नहीं आता, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वाला पॉइंट उसकी डोमेन फंक्शन की डोमेन में लाई कर रहा होता है जिसके लिए वो इन्फिनिटी नहीं दे रहा, इमेजिनरी नंबर नहीं दे रहा, उस पर डिफाइन है। डिफाइन होने का मतलब यही होता है कि इन्फिनिटी नहीं दे रहा होता या इमेजिनरी नंबर नहीं दे रहा होता। पॉइंट टू है आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। आपके पास अगर पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है तो आपने राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दो बोथ फाइंड करनी है। अगर बोथ इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये जो गिवन पॉइंट में आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पे आपने लिमिट भी चेक करनी है, ये सेकंड कंडीशन में आती है। थर्ड कंडीशन आपके पास ये है कि अगर ये जो आपने लिमिट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में जो आपने वैल्यूज फाइंड की हुई है, एफ ऑफ सी जो वैल्यू फाइंड की हुई है और जो ये जो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की हुई है, अगर ये बोथ इक्वल आ जाती हैं, द लिमिट इक्वल्स द फंक्शन वैल्यू, इसका मतलब ये होता है अगर ये लिमिट वैल्यू और उस पॉइंट फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती हैं तो ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर तीनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस ही नहीं है, अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो। यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई थी। एग्जाम्पल नंबर वन है आपके पास पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है या आपके पास फाइव पार्ट्स में डिवाइड है फंक्शन। इस डोमेन के लिए एक्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस वन लेस दैन जीरो के लिए आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है। इसी तरह इस डोमेन के लिए ये वाला फंक्शन डोमेन, डिफरेंट डोमेन के लिए ये डिफरेंट फंक्शन डिफाइन है, ये पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है। हमने करना है चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन पे आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, आया इस फंक्शन इस पॉइंट पर आपको फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। सेकेंड फंक्शन आपके पास जी एफ एक्स गिवन है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है जब एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री, थ्री के अलावा जो भी एक्स की वैल्यू हो उसके लिए ये वाला फंक्शन है और एक्स इक्वल टू थ्री के लिए ये वाला है। चेक कंटिन्यूटी ऑफ जी एट एक्स इक्वल टू थ्री। इस क्वेश्चन में आपने एक्स इक्वल टू थ्री पे फंक्शन इस जी ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, जब आपके पास एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस टू है, टू और माइनस टू के अलावा सारी सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। एट एक्स इक्वल टू टू आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री, और एक्स इक्वल टू माइनस टू पर आपके पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है। ये जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है तो हम इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसमें आपने करना है चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। आपने दो पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टू क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर वन,
आपने कंटिन्यूटी टेस्ट अप्लाई करना है। उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एट एक्स इक्वल्स टू वन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स इक्वल्स टू वन पे आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ वन एग्जिस्ट करना चाहिए। कंटिन्यूटी टेस्ट में फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास, एफ ऑफ सी एग्जिस्ट। सी क्या है आपके पास, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो आपके पास एफ ऑफ सी एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन है, वन पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, एफ ऑफ वन आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं एक्स इक्वल टू वन पे आपका फंक्शन कौन सा डिफाइन है। तो ये देख लें आपके पास एक्स इक्वल टू वन के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया सिंस एट एक्स इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, आपके पास जो फंक्शन डिफाइन है ये है। अब आपने एफ ऑफ वन फाइंड करना है, एक्स की जगह वन पुट करें। यहाँ पे एक्स की जगह मैंने वन पुट किया तो फंक्शन में यहाँ पे कहीं फंक्शन में एक्स ही नहीं है, ये कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन में तो कहीं वेरिएबल नहीं होता। यहाँ पे जब मैंने एक्स इक्वल टू वन पुट किया यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, फंक्शन सेम ही रहता है, कांस्टेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपके पास जो एफ ऑफ वन है वो वन ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्स इक्वल टू वन जो आपके फंक्शन की वैल्यू है वो वन है। तो आपके पास एक डिफाइन नंबर है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ वन एग्जिस्ट, क्योंकि आपके पास इन्फिनिटी आंसर नहीं आया, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आया। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एफ ऑफ वन एग्जिस्ट विच इज़ रियल नंबर, आपके पास आया वन है। सेकेंड कंडीशन में क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपका फंक्शन पीस वाइज डिफाइन है, हमने राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है। तो राइट हैंड लिमिट की ये फार्मूला है, हमने डिस्कस किया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर देन वन, मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन वन के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो यहाँ पे लिखना है एफ ऑफ एक्स की जगह। तो x इज़ ग्रेटर देन वन के लिए कौन सा आपके पास फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे देख लें आपके पास कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x इज़ ग्रेटर देन वन यहाँ पे है, और उसके लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो ये है माइनस टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने माइनस टू एक्स प्लस फोर लिख लिया। अब सिंपल आपने लिमिट पुट करनी है, ये वन प्लस नहीं है, ये जस्ट राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या x की जगह पुट करना है, वन पुट करना है। तो वन पुट किया आपके पास आंसर आ गया है विच इज़ टू, राइट हैंड लिमिट का जो आंसर आया है वो टू है। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या है, एक्स अप्रोचेस टू वन थ्रू वैल्यूज़ लेस देन वन। तो वन के ऊपर ये जो छोटा सा माइनस है इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। हमने यहाँ पे फंक्शन कौन सा पुट करना है, एक्स इज लेस देन वन के लिए जो फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे हम अपने फंक्शन में देखते हैं एक्स इज लेस देन वन के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये है आपके पास एक्स इज लेस देन वन, और ये है आपके पास फंक्शन डिफाइन टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स। अब यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स की जगह टू एक्स पुट करूँगी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने टू एक्स पुट किया। अब सिंपल आपकी लिमिट वैल्यू ही पुट करनी है, एक्स अप्रोचेस टू वन है, तो ये जो वन के ऊपर छोटा सा माइनस है इसका ये मतलब नहीं है कि ये माइनस वन है, ये जस्ट नोटेशन के लिए यूज़ है। एक्स की जगह मैंने अब वन पुट किया, टू इंटू वन आपके पास टू होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है वो आपके पास टू है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है, टू इक्वल्स टू टू है। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू क्या है, टू है। ये इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह दें, और ये जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने फाइंड किया था इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें, एफ ऑफ वन की वैल्यू। कंटिन्यूटी टेस्ट में ये जो आपके पास थर्ड कंडीशन है वो क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। तो जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पे लिमिटिंग वैल्यू और उस पे फंक्शन की वैल्यू आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन में हमने फाइंड की थी और ये फर्स्ट कंडीशन में हमने फाइंड की थी। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हम कह सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, टू है, टू है, और एफ ऑफ वन से जो आपके पास वैल्यू आई है वो वन है, टू इज़ नॉट इक्वल टू वन। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो तीसरी कंडीशन तो फेल हो गई, थर्ड कंडीशन फेल्स टू होल्ड। तो आपके पास अगर कोई एक भी कंडीशन फेल हो जाए तो उस पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो सो गिवन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो आप कहते हो कि उस पॉइंट पर फंक्शन पूरा कंटिन्यूस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास जी एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, इस पे आपने क्या फाइंड करना है, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपने क्या करना है, जी एफ थ्री फाइंड करना है, जी एफ थ्री एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब जो थ्री पे फंक्शन है, थ्री पे फंक्शन कौन सा डिफाइन है, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे जो आपको फंक्शन डिफाइन है, यहाँ पे भी कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट फंक्शन है, बाकी दो में भी बाकी में भी यहाँ पे भी कांस्टेंट फंक्शन ही है, इसमें कांस्टेंट फंक्शन है जी एफ एक्स इक्वल्स टू फाइव। तो हम लिख लेते हैं एक्स इक्वल्स टू थ्री पे जो फंक्शन डिफाइन है वो है जी एफ एक्स इक्वल्स टू फाइव। तो हमने क्या फाइंड करना है, जी एफ थ्री फाइंड करना है, मतलब एक्स की जगह हमने थ्री पुट करना है। तो एक्स की जगह हमने जब थ्री पुट किया तो यहाँ पे तो फाइव ही है, एक्स है ही नहीं है, तो हमें यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास जी एफ थ्री इक्वल्स टू फाइव आया है। कांस्टेंट फंक्शन में आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो वही रहता है कांस्टेंट फंक्शन में, कोई चेंजिंग नहीं आती। जी एफ थ्री आपके पास फाइव है, ज़ाहिर है ये डिफाइन है, रियल नंबर आपके पास आया है, कोई इन्फिनिटी नहीं आया, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी एफ थ्री आपके पास डिफाइन है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसको ही कोई नंबर वन कह दें। सेकंड आपके पास क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री जी एफ एक्स आपने फाइंड करना है। आपके पास पीस वाइज डिफाइन फंक्शन है, आपने राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट की नोटेशन ये है, एक्स अप्रोचेस टू थ्री थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर देन थ्री जी एफ एक्स। यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन पुट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो कौन सा है। तो आप देखें ये जो आपके पास फंक्शन डिफाइन है, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे तो फाइव है, थ्री के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, इसमें एक्स इज़ ग्रेटर देन थ्री वाला भी आ जाता है, सिर्फ थ्री पे ये वाला नहीं डिफाइन, उससे ग्रेटर में उसके लिए, उससे लेस, थ्री से ग्रेटर और थ्री से लेस सारी वैल्यूज के लिए ये वाला फंक्शन आपके पास है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री। तो अब आपने यहाँ पे फंक्शन पुट करना है जी एफ एक्स की जगह ये वाला। अब यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करते हो डायरेक्ट, एक्स की जगह थ्री पुट किया, यहाँ पे थ्री पुट किया, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाती है, विच इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपके पास जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है, अनडिफाइन या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, तो आप क्या करते हो, फैक्टराइज करते हो या रैशनलाइज करते हो। यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम करते हैं क्योंकि पॉलीनोमियल है आपके पास नोमिनेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स की हमने फैक्टराइजेशन की, फैक्टराइजेशन करनी होप सो आपको आती होगी, मिड टर्म ब्रेकिंग मैथड भी इसको हम कहते हैं। माइनस एक्स की जगह हमने वो वाली टर्म लिखनी होती है जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस एक्स आए, दो टर्म्स ऐसी लिखनी होती है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस एक्स आए, और उन्हीं दो टर्म्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर आना चाहिए। तो यहाँ भी बस ये दो टर्म्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर आएगा, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस एक्स आएगा। तो इसी तरह हमने यहाँ पर इनको कॉमन ले के फैक्टर बना लिया, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू आ गया। तो ये x माइनस थ्री और x माइनस थ्री नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, अभी पास जस्ट रह गया x प्लस टू। लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री थ्रू वैल्यूज़ ग्रेटर दैन थ्री, आपके पास जो फंक्शन आया x प्लस टू आया। अब सिंपल आपने यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, x की जगह आप थ्री पुट करें, थ्री जब आपने पुट किया यहाँ पे, थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव हो गया। आपके पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई है फाइव, इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नोटेशन ये है, एक्स इज अप्रोचेस टू थ्री थ्रू वैल्यूज लेस दैन थ्री जी एफ एक्स। जी एफ एक्स मैं कौन सा पुट करूँ, एक्स इज लेस दैन थ्री के लिए आपको कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये वाला फंक्शन आपके पास एक्स इज लेस दैन थ्री के लिए भी डिफाइन है, सिर्फ एक्स इक्वल्स टू थ्री पे ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है। इसमें लेस दैन थ्री वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, ग्रेटर दैन थ्री वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। तो ये जब आप फंक्शन यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने वो फंक्शन पुट किया, अगेन आपने जब इसमें लिमिट पुट करनी है तो माइनस थ्री नहीं पुट करना है, जस्ट थ्री पुट करना है, क्योंकि ये माइनस साइन नोटेशन है। जस्ट एक्स की जगह जब मैंने यहाँ पे थ्री पुट किया तो अगेन आपके पास जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गई, या अगेन आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने किया उसी तरह करके आपके पास जस्ट ये एक्स प्लस टू रह जाएगा। अब आप दोबारा लिमिटिंग वैल्यू पुट करें, लिमिटिंग पॉइंट पुट करें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री यहाँ पे थ्री पुट करें, एक्स की जगह थ्री प्लस टू इक्वल्स टू फाइव आ गया।
लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी आपके पास फाइव आ गई है। राइट हैंड लिमिट इक्व टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक्स इक्व टू थ्री पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब आपके पास दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस पॉइंट पे आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री जी एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ फाइव। थर्ड कंडीशन आपकी कंटिन्यूटी की क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री जी एफ एक्स इक्व टू जी एफ थ्री के इक्वल होने चाहिए, मतलब उस पॉइंट पे आपकी लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से आप देख सकते हैं जी एफ थ्री आपके पास फाइव था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री जी एफ एक्स इक्व टू फाइव है, बोथ वैल्यूज इक्वल आ गई हैं, फाइव इक्व टू फाइव आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हैं, आपके पास जी एफ थ्री भी एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइन आ रहा है, सेकंड कंडीशन भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री जी एफ एक्स भी एग्जिस्ट कर रही है, और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि वो दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल हैं लिमिट की और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो फंक्शन जी एफ एक्स है ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू थ्री। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, आपने दो पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी, पहले x इक्वल टू टू के लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना, इसी तरह x इक्वल टू माइनस टू के लिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करिएगा और चेक करिएगा क्या इन दोनों पॉइंट्स पे ये आपका जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपको जितना पॉसिबली हो सके आपको समझ आ जाए, प्रैक्टिस करिएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ये अपने बस नोट करिएगा, सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके भी आपको समझ नहीं आती तो फिर मुझसे पूछिएगा, मैं समझाऊंगी दोबारा, मतलब जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा हूँ मुझसे पूछिएगा, मैं आपको कमेंट्स में बता दूँगी। अल्लाह हाफिज़।